वज़ीर-ए-आज़म आज असेंबली में पनामा लीक्स की वजाहत देंगे। हिज़्ब इख़्तिलाफ़ को शिद्दत से इंतजार, हुकूमत और अपोजिशन ने मशावरती इजलास बुला लिए। आज पाकिस्तान की तारीख का बड़ा दिन है, वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में आ रहे हैं। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में फैसला कुन वक्त आ गया है। ऑफशोर कंपनीज को हराम कहने वाले खुद सफाइयां दे रहे हैं, राणा सनाउल्ला का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म अगर झूठ का सहारा ना लेते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती, मौला बख्श चांटियो कहते हैं वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट से भागने के मशवरों से बहरान इस सूरत हाल को पहुंचा। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस का एक्शन, लियारी गैंगवार के दो कारिंदों समेत पांच मुलजिमान गिरफ्तार। फैसलाबाद मार्केट में पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन, 60 अफराद जेर हिरासत, घोटकी से 6 इश्तिहारी डाकू गिरफ्तार। सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानी भारतीय जेलों में सजा काटने पर मजबूर, गरीब माहिगीरों के घर में उदासियों के डेरे। मुल्तान के शकील और सोनिया का ख्वाब सच हो गया, 3 फुट के दूल्हा को 3.5 फुट की दुल्हन मिल गई। और फार्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रां प्री बेल्जियम के मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत ली, 18 साल मैक्स ये एहसास हासिल करने वाले कम उम्र तरीन ड्राइवर।